ये मैं और ये मेरे दोस्त और ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है। हेलो दोस्तों, गुमतू चैनल में आपका स्वागत है। आज का नॉर्मल हमारा एक ट्रैक है कि यार यहाँ कहीं पीछे पहाड़ दिखाता हूँ आपको, तो अभी वहाँ जाएंगे। यहाँ आपको पीछे पेड़ों के पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे, मतलब वहाँ से कैसा दिख रहा है। ठीक है, हल्द्वानी का व्यू क्या आता है वहाँ से वो देखते। ये है, हमने यहाँ से जाना है। अभी तो थोड़ा सा ट्रैक और पसीने से हालत ख़राब हो गई, देखो पूरा पसीने के हमारे हालत खराब होगी, तो बंदर अंदर बहुत आ गया। तो सामने आश्रम है, आश्रम का नाम है सीताराम का आश्रम, तो आगे जाके फिर दिखा। देखो यहाँ आने के लिए मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा ट्रैक है, आधा किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। और अगर कोई भाई बंधु हल्द्वानी से और देख रहा है तो उसको पता होगा कि ये जगह कहाँ पर है, और बहुत अच्छी जगह है, मस्त सी जगह है। तो आइए बाबा के दर्शन करके जी। थोड़ी देर बैठने के बाद तो चलना स्टार्ट किया है, बारिश के बाद जो हरी भरी घास उगने लगी है। हाथ खराब हो गया, फिर तो रेस्ट करने लग गए, पानी वानी पीते हैं, आगे चलते हैं। आवाज रेगिस्तान की नहीं होती ऐसे पानी, आवाज भी खत्म हो गई अब तो। पूरे रास्ते पर ये जंगल, ये लाल चींटियों का मुझे लग रहा है। देखो इतनी खड़ी लड़ाई पे चल रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी चढ़ाई मतलब कभी खतरनाक हो गई है, खड़ी चढ़ाई हो गई है। ये देखो क्या दिखा अभी, पूरा दिमाग का पूरा वो है। ये घर वर लीपने में आपका काम आता है, ठीक है। जो लोग मतलब पहाड़ों में घर लीपा जाता है तो यही वाली मिट्टी यूज होती है। ये देखो कैसा रास्ता है, ठीक है। कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा कितना खतरनाक है, लेकिन कोई रास्ता नहीं हुआ। अब मनोज भाई सबसे आगे चल रहे हैं, नवाब साहब और आज एक नई भाई साहब है, इसको सबसे पीछे जो चल रहा तीसरा भाई रईस भाई है। इनको आपने देखा होगा मेरे हथियारी ताल वाले ब्लॉग में, हालत ख़राब होगी। एक ही बंदा है जो दौड़ रहा हो, देखो बाकी हमारी हालत ख़राब है यार। 2-1 मिनट का रेस्ट है, उसके बाद निकलते हैं आगे। पता कितना चल गया पता नहीं है, हालत ख़राब हो गई। लौंडे बैठे हुए हैं पीछे, ये व्यू आ रहा देखो, यहाँ बीच में पहाड़ों के बीच से पूरा आपका हल्द्वानी का व्यू आएगा। थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ से क्या व्यू आता है। तो ऊपर हमने जाना है, इस वाले पे थोड़ा सा हाइट पे जाना है, वहाँ से टॉप से जो व्यू आएगा वो आपको दिखाते हैं। स्टूल बना हुआ बैठने के लिए, ठीक है। तो यार जैसे कि इस टाइम पे क्या रखा है, पूरे हल्द्वानी और पूरा उत्तराखंड, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में लॉकडाउन ही है। और पर हमारे लिए लॉकडाउन नहीं हुआ, से हम तो ट्रैक कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन का मतलब पहला ट्रैक है। तो अपने घर से बिल्कुल लगता हुआ जो पहाड़ था उस पर चढ़े हुए, देखते हैं ऊपर से क्या व्यू आता है। बस बहुत टाइम से सोचा था आएंगे, पर कभी का टाइम नहीं हो रहा था। नॉर्मली हम लोग बाहर जा रहे थे ट्रैक करने के लिए, इधर से उधर और जगह जा रहे थे। इस बार लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते और हल्द्वानी में रह रहे हैं, घर से लगते हुए पहाड़ हैं, तो बस चले आए। ऊपर खाना आना, दोपहर का खाना ऊपर बनेगा, दिखाते हैं आपको क्या खाना बनाते हैं। कुछ अलग सा सोचा है, मतलब चिकन विकन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कुछ अलग। तो अभी हमने जाना है यार इस टॉप पे,
ये लौंडे जा रहे हैं आगे, इसके टॉप पे मिलते हैं, बात करते हैं। चलने में बहुत मेहनत लग रही है फिलहाल, ठीक है ना, सर तप रहा है गर्मी की वजह से। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लॉकडाउन की दोपहर के 12 बज रहे हैं, और दिन तो घर में सो रहे होते हैं हम, कि टीवी देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, और कोई काम नहीं होता हमारे पास। न्यूज़ नहीं देखते बस हम, सबसे मेन चीज़ है कि हम न्यूज़ नहीं देख रहे हैं आजकल। हमारे साथ नवाब साहब है, वो देखते हैं भाभी जी घर पे। ये मैं और ये मेरे दोस्त और ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है। आग लगने के बाद से दोबारा से जिंदगी उगने लग गया आपका, देखो सूखे जंगलों में। देखो जंगल में आपको हर्ब्स सारे मिलते हैं, ये देखो कड़ी पत्ता भी मिल गया, ठीक है। तो भाई बंदों ने रख लिए, ऊपर खाना बनाने में ये भी काम आएगा यार, सब कुछ खरीद के थोड़ी लेके आएंगे, तो जंगल की भी चीज़ें यूज़ करेंगे। चलो आज पूरा सात्विक भोजन होगा। इनको कुछ दिख गया, मौज गिलोय, इस टाइम पे गिलोय देखनी मुश्किल हो गई है, तो यहाँ हमें गिलोय मिल गया। घर जाते वक्त देखते हैं लेके जाएंगे। तो यार इतना लंबा ट्रैक करके जो जगह पे आए हैं, या टॉप पे आके, मतलब सब हरा भरा सा हो गया, जगह देखने लायक है। पीछे जो व्यू आ रहा है पूरा, ये पेड़ों के नीचे हल्द्वानी का व्यू आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉप पे आए हैं, ये देखो नीचे के जो जंगल था उसको देख के लग रहा था यार कुछ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टॉप पे लॉकडाउन में होने का फ़ायदा हम ही उठा रहे हैं, पूरा एंजॉय। जगह दिखाता हूँ आपको, व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, देखो व्यू, ये 360 व्यू, ठीक है। ये देखा तो अभी टॉप पे आ गए, इसके बाद अब पहाड़ी नीचे को जाना स्टार्ट हो गया है। देखो टॉप पे यहाँ भी नीचे को जा रहा है, हम इस तरफ से आए हैं, ये टॉप हो गया, इधर से भी नीचे जाने लग गया, ये सब अब दूसरे पहाड़ स्टार्ट हो गए। ये सबसे टॉप है, अल्टीमेट टॉप है, इसके बाद सारा कुछ बस। अब यहीं पे खाना वाना बनाएंगे, आप ये जगह देख रहे हो, जगह मतलब धूप भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं खाना। देखो भाई अभी मनोज भाई बना रहे हैं चूल्हा, चूल्हा तैयार हो गया है, दो चूल्हे तैयार किए हैं, एक ये है जिसमें अभी चाय बनाने वाले हैं छोटे वाले बर्तन में, और दूसरा ये है। तो इसमें देखो क्या बनाते हैं अभी बताएंगे आपको, इसमें कुछ आइटम बन रहा है, इसमें बटर वटर डाल दिया और ये बन गया हमारी चाय। ये पकड़ो यार इसको, बोलो। किचन सेट हो गया, लौंडे तैयार हो गए बनाने के लिए, लकड़ी वकड़ी का पूरा मतलब चूल्हा उल्हा बना दिया हमने, ठीक है। चाय और एक आइटम और रखा, वो खिचड़ी है कुछ और है पता नहीं क्या है, जैसे बनेगी। बटर वटर डाल दिया उसमें, जैसा आपने देखा होगा अभी बटर डाल दिया था। तो क्या बन रहा है क्या नहीं, बस चाय बन रही है, उसमें पत्ते वत्ते डाल रखे हरे पत्ते, अब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं क्या बन रहा है, देखो इन्जॉय करो बस। ये देखो खाना बन के तैयार हो गया है, वो आप ये देखो, हमने ये बनाई है खीर और खिचड़ी। रोहित भाई डाल रहे हैं, खिचड़ी डाल रहे हैं सबके लिए, ठीक है। ला बोला हमारे कारी बारी कैटरिंग है, तो संपर्क करें, शादी भी बाहू में। यह मेरा खाना, चटनी होगी, दही और खिचड़ी। ये हमारे भाई साहब बैठ गए हैं, रसे आ रहे हैं हमारे आज के, और एक भाई ये है नवाब साहब, तो बस सुपाड़ सुपुड़ में ही लग जाते हैं बस खाते। ये देखो तो खाना वाना खाने के बाद पूरी मतलब गंदगी भी साफ़ करके जा रहे हैं, ठीक है।
ये देखो सारा कुछ जला दिया है। देखो एक पन्नी वो पड़ी हुई, ये हाँ सारा पॉलीथीन, बाकी बोतल वोटल सारी लेके जाएंगे साथ में। जंगल को कुछ भी गंदगी जंगल को नहीं देके जाएंगे, बचा हुआ खाना छोड़ के जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। खीर बहुत बच गई है, ये देखो वो रखी हुई है। तो आज क्या हो गया, एक तो आइडिया नहीं है कितना चाहिए था, क्या है क्या नहीं है, पानी कम हो गया था, दूसरा हमारे पास तो ठीक है बच गया है, बर्बाद थोड़ी हुआ जो कोई जंगली जानवर खाएगा यार, किसी का तो भला होगा। आज किसी को ज़्यादा जानवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको बना बनाया खाना मिल जाएगा। और ड्राई फ्रूट वाली खीर दे के जा रहे हैं, जंगल में छोड़ जा रहे हैं, और क्या चीज़ ज़्यादा भाई। गंदगी सारी क्लियर कर दी हमने, जो कूड़ा उड़ा था जला रहे हैं, इसको बुझा के जाएंगे, पानी तो है नहीं, मतलब मिट्टी उट्टी डाल के जाएंगे इसको तो पूरा, मतलब ताकि ना तो आग लगने कोई रिस्क ना हो। और जंगल अपने हैं, जंगल से प्यार करना ज़रूरी है। एक बार क्या ऊपर देख रहे हो, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ से क्या व्यू आ रहा है। अभी तक हम खाना ना खा रहे थे तो ऊपर को जाके देखा नहीं, देख लेते हैं ऊपर को जाके, आपको भी दिखाता हूँ। अगर कुछ अच्छा दिखा तो भी ठीक, नहीं दिखा तो भी ठीक, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप यही दिख रहा है, तो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बाघ ना मिले बस। जो नीचे से हम आपको कह रहा था टॉप पे जाते हैं, ये टॉप का व्यू ऐसा है। ठीक है, मस्त प्लेन। अगर यहाँ कोई फल वल के पेड़ होते कितना मज़ा आता ना। ठीक है, ये देखो नीचे आपके पहाड़ हो गए। ठीक है, सामने कभी बनाएंगे यार, इस वाले जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ये, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ तक आ गए तो अब ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत ही है, इसको तो कभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बनते रहेंगे, जंगल में आना स्टार्ट कर दिया हमने। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। हल्द्वानी में भी यही सब होना है, और लॉकडाउन के बीच में जैसे मैंने आपको कहा था आपको ट्रैक पे लेके चलूँगा, तो अब कुछ वीडियो ट्रैकिंग के रहेंगे, या फिर देखो आगे क्या प्लान होता है। अभी तक कोई आगे का प्लान नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बनते रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं घुमाते रहेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। बने रहो चैनल पे, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों का शेयर करो यार, क्या कर रहे हो भाई। थोड़े तो भाई की वीडियो को मतलब व्यू आनी चाहिए यार, ऐसे कैसे चलेगा। सपोर्ट करो, मोटिवेट करो यार, शेयर करो भाई की वीडियो को। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।